नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं किस तरह सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है। जिस जनता को मूक समझा जा रहा था, जिस समुदाय को यह समझा जा रहा था कि वह शांति के रास्ते पर ही रहेगा, वह किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा, लेकिन अब वह विरोध खुलकर सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं NRC, CAA और NPR को लेकर। जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कुछ समय बाद यह विरोध प्रदर्शन की जो अवधि है वह 1 माह हो जाएगी, और 1 माह तक यह चलने वाला प्रदर्शन कोई आम प्रदर्शन नहीं है। यहाँ जनता की राय सामने आ रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरह देश का वह अल्पसंख्यक समुदाय जिसको प्रताड़ित लगातार किया गया, वह आज सरकार के विरोध में उतर आया है, और वह अकेला नहीं है बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी उसके साथ हैं और कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। तो इस संबंध में एक थोड़ी बहस तो आवश्यक है ही और होनी भी चाहिए। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार अमन जी, और आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। सवाल तीखे भी हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं, और इन सवालों से एक निष्कर्ष जो निकलेगा उस संबंध में आपकी राय भी आवश्यक होगी। तो अमन जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह शाहीन बाग में एक आंदोलन चल रहा है, CAA NRC को लेकर सरकार का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान सरकार ने एक आश्वासन भी दिया था, कहा था कि जो भारतीय हैं उनकी भारतीयता नहीं जाएगी, वह इस देश के नागरिक ही रहेंगे। इस संबंध में डोर टू डोर कैंपेन भी आरंभ किया खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस कार्य में निकल गए। तो क्या आप शाहीन बाग की जनता को, या हम यूं कहें मुस्लिम समुदाय को, इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए या नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा फरहान की, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम बुलाया, लेकिन महत्वपूर्ण मसला ये है कि आखिरी आंदोलन चल क्यों रहे, हो क्यों रहे। देखिए, लगातार गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो खास माइनॉरिटी और खासकर मुस्लिम वर्ग की अगर हम बात करें कि जिस तरह से पूरा मसला हुआ है, कैब के बाद जो है CAA के ऊपर बिल बन गया और CAA लागू हो गया, तो ये अब लगातार दर्शाया जाने लगा कि भाई आपका इसमें कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर आप ख़तरा नहीं है तो आखिर इतना डरे सहमे से क्यों हो? महीना भर के आसपास हो गया, कोई भी, हम आपने जिस तरह से कहा कि डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर जाकर लोगों से बात की जा रही है कि भाई ये आपके लिए घातक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन आखिर फिर भी खुलकर बात क्यों नहीं हो पा रही? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको घर घर जाकर दबे पाँव दबे कान बताना पड़ रहा है? ये डिजिटल मीडिया के युग में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि जहाँ मोदी जी और तमाम जो हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं वो लोग इस युग में जी रहे हैं और लगातार लोगों से कह रहे हैं कि जो आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए, डिजिटल बनिए, लेकिन यहाँ पर आप खुद को कहीं ना कहीं ये ढूंढना पड़ रहा है कि चलिए हम कान में जाकर किसी कहते हैं और समझाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाएं हैं ये लगातार ये साबित कर रही हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें दबाव में है, और किस तरह के दबाव में वो ये देखा जा रहा है कि जिस शाहीनबाग की आपने शुरू में बात की, और बिल्कुल देखिए मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ पर पहुँचा और मैंने भी लोगों से मिला मुलाकात की है, तो उनका जो लब्बुलवाब निकल कर आता है वो यही आता है कि भाई हम भारतीय हैं, हमें भारत से अलग होने का ना तो कोई अब कभी रहा है, ना कभी रहेगा और ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पुरखों की मिट्टी है, इस मिट्टी को हम लोगों ने सींचा है, महिलाएँ वहाँ पर बैठी हैं, बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, और देखिए बड़ा शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। दूसरी बात एक मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि हम सिर्फ मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मुस्लिमों को जो है उसकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग, लेकिन ज़रा वहां पर जाकर देखिए क्या वहां पर सिर्फ मुस्लिम है? बिल्कुल, वहां पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं? देखिए, वो हिंदू परिवार भी हैं जिनके पड़ोस में मुस्लिम रहते हैं, वो मुस्लिम है जिनके पड़ोस में हिंदू रहते हैं, तो ये एक ऐसा मिक्स कल्चर है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, एकता भी दिखने को मिल रही है। और महत्वपूर्ण मसला यही है बाप कि कहीं ना कहीं जो एकता जो अब तक सोई पड़ी थी, जो अब तक मेरे ख्याल से उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, वो खुलकर अब सामने आ रही है, और ये जो लोग अब तक घरों में बैठे थे ये निकलकर सामने आए, ये वतन मेरा है, ये मिट्टी मेरी है और ये देश मेरा है, कोई अगर मुझे निकालने को कहेगा तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा कॉलर पकड़े और मुझे देश से बाहर कर सके। बिल्कुल, और हम देखेंगे कि एक लंबे समय से, मैं हम 2014 की बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी यह कहा जाता था कोई छोटी सी बात होती, एक क्रिकेट मैच भी होता था, यदि एक पटाखे की आवाज़ आ जाती थी तो शायद मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए और पाकिस्तान की जीत की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने जितने भी प्रदर्शन देख रहे हैं, आप चाहे वह आसाम में हो
या वह शाहीन बाग में हो, अभी तक किसी ने यह नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हमें यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आगे से नेता इस बात को कह पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी लगता है फरहान की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हो रही है, हालांकि ये मीडिया अब तक नहीं देख पा रही है, और क्यों नहीं देख पा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सबसे महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है ये कि जो मुस्लिमों के प्रति लगातार बातें की जाती थी कि उस वर्ग को लगातार साधा जाता था, वो अब बात खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप दरअसल सोचिए, वो मुस्लिम महिलाएं, वो मुस्लिम लोग अब ये कह रहे हैं कि ये वतन मेरा है, ये मुल्क मेरा है, मुझे इससे कोई नहीं निकाल सकता, इससे बड़ी वतन परस्ती और क्या हो सकती है? क्या सबूत आपको चाहिए कि बच्चे और महिलाएं जो है ठंड में, बरसात में उस टेंट में अपने जो है दिन गुजार रहे हैं और वहां पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, ये बहुत बड़ा मसला है। और वहां पर महिलाएं ये बात कहती हुई नजर आ रही है, उनसे जब बात होती है, उनसे जब मुलाकात होती है, तो वो ये कहती है कि भाई हमें हमारे घर से, हमारे देश से किसी को हक नहीं है अलग करने का, और ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है। और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बता रहा है कि न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ मुस्लिम, न सिर्फ सिख, न सिर्फ ईसाई, बल्कि ये सब जितने भी देशवासी हैं सब एक साथ एकजुट रहना चाहते हैं, भले ही देखिए डिफरेंसेस होते हैं, और ये जाहिर बात है कि एक घर में भी अगर चार भाई हैं, तीन भाई हैं, दो भाई हैं या परिवार है, उसमें डिफरेंसेस मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें धर्म के नाम पर अलग करें, हम उन्हें धर्म के नाम पर बांटें, और कहीं ना कहीं जब ज्वलंत मुद्दे देश के सामने मौजूद हैं, यानी कि रोजगार का बड़ा मुद्दा है, मंदी का दौर से कहीं ना कहीं देश गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है, इन मसलों से हटाकर हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल निशान लगा रहा है। लेकिन हाँ, शाहीन बाग ने कहीं ना कहीं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इसको, कि शाहीन बाग ने शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट करके साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो देश को बांटने की साजिश हो रही है उसके खिलाफ वो खड़े हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, बहुत सही। लेकिन यहाँ पर भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया है। एक सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि वहां प्रताड़ित किया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय, बिल्कुल किया भी जाता होगा, बिल्कुल बहुसंख्यक हमेशा ही यहाँ भी रहता है अल्पसंख्यक समुदाय, जाहिर बात है, और यह नजारा हमें भारत में भी देखने को मिला है, भारत कहीं से अलग नहीं है। बिल्कुल, तो एक बार हमने फिर पाकिस्तान को हरा दिया है, क्योंकि अब तक भारत से कोई भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान नहीं गया शरणार्थी बनकर, लेकिन जबकि प्रताड़ना की बात करते हुए वहां का अल्पसंख्यक भारत आ रहा है। ये जीत है, दरअसल ये जीत है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये कही, क्योंकि पहले तक ये कहा जाता था कि भाई तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह से लोगों को जो है तमाम तरह के इल्जामों का सामना करना पड़ता था, लेकिन देखिए जरा, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कोट की है कि वहां से तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है, यहीं मर जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि लाठी मारो, डंडे मारो, गोली मारो, लेकिन हम अपनी मिट्टी में यहाँ जन्मे हैं और इसी में हमें मिलना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अपने मुल्क की जो तरक्की है, मुल्क का जो विकास है, मुल्क के साथ जो खड़े होने का जज्बा है, वो मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। और देखिए इसको एक अलग चश्मे देखने की जरूरत नहीं, देखिए विरोध अगर हो रहा है तो सरकार को भी अपने आंख और कान खोलने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जो बनी है वो जनता के वोट से ही बनी है। अगर जनता इसको जो है कहती है कि भाई आप इसको खत्म भी ना करो, तो कम से कम इसको आप समीक्षा तो करो, समीक्षा करें कि इसमें कहां कोई चूक हो रही है, कहां कोई गलती हो रही है, और क्या ये देश को बांटने वाला तो नहीं है, क्या देश को अलग करने वाला तो नहीं है, ये महत्वपूर्ण मसला हो जाता है। लेकिन फिलहाल सरकार जिस रुख में नजर आ रही है, जिस मूड में नजर आ रही है, मेरे ख्याल में वो ज्यादती ज्यादा नजर आ रही है अब तो फिलहाल, क्योंकि ये देश लोकतंत्र है, ये देश तानाशाह नहीं है, बिल्कुल ये हमेशा इसकी खूबसूरती रही है। और आपकी बात को मैं आखिर में बस एक कोट करना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि हमारे कम से कम अल्पसंख्यकों को बोलने का मौका है, बिल्कुल वो बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये इस देश की खूबसूरती है, खूबसूरती और यहाँ पर आकर हिंदू उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये और ज्यादा खूबसूरत बात है, एक मंच पर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं कोई गिले शिकवे है, कहीं कोई नाराजगी है, कहीं कोई किसी का दिल दुखा है, तो उसे बैठ के हम शूट आउट कर सकते हैं। 25-26 दिन हो गए आज शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को, लेकिन आज तक भी उसका विकल्प क्यों नहीं तलाशा जा रहा है? कहाँ है? पूरा दिल्ली सियासत का गढ़ मानी जाती है, पूरे देश की सियासत दिल्ली में होती दिल्ली है, लेकिन होती है। सब लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने कानों को बंद किए हुए, आंखों को बंद किए हुए, ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी बात रखना चाहते हैं इस लिहाज से कि देश बटे ना, बल्कि एक साथ चले और मजबूत हो। आप देख रहे हैं किस तरह शाहीन बाग का जो धरना चल रहा है, अब उसे एक माह हो जाएगा, 4 दिन के बाद 1 माह हो जाएगा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इस धरने में केवल कोई एक समुदाय शामिल नहीं है, बल्कि सभी समुदाय एक मंच पर आ गए हैं, और देश की जो विविधताओं में एकता की एक परिभाषा है उसे साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिर हमने एक बार पाकिस्तान को मात दे दी है, जिस तरह मुसलमानों के यहाँ पाकिस्तान चले जाओ की बात कही जाती थी, लेकिन वह कह रहे हैं कि हम यहीं जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अमन जी ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिए, सरकार को आड़े हाथों भी लिया। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, अपनी राय देना आप बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम किस मुद्दे पर कार्यक्रम कर सकते हैं, वह मुद्दा भी आप हमें बता सकते हैं। देश की अखंडता के लिए, सेकुलरिज्म के लिए यदि वह मुद्दा महत्वपूर्ण होगा तो हम उस पर भी कार्यक्रम अवश्य करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।